प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका। देखिए, आज अपन बात करेंगे जालौर के चौहानों के संदर्भ में। और जालौर के चौहानों के संदर्भ में अपन बात करेंगे प्रथम क्लास की। तो देखिए, पहला जो अपना लेक्चर है ये जालौर के चौहानों के संदर्भ में है। इसमें अपन देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं उनके संदर्भ में अपन बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले अपन बात करें जालौर का जो नाम है, जालौर जालौर जो नाम है यह है जाल वृक्ष की अधिकता के कारण पड़ा है। जाल वृक्ष की अधिकता के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, जालौर। एक बार आसाम पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो है बांसवाड़ा नाम है वो कैसे पड़ा, तो बांसों की और बिल्लों की अधिकता के कारण बांसवाड़ा नाम पड़ा, ये ऑप्शन माना गया था उसमें सही। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जालौर का नाम जालौर कैसे पड़ा। अब अपन बात करते हैं यहां का शासक है पहला कीर्तिपाल। कीर्तिपाल है, यह है कीर्तिपाल चौहान है मित्रों, इसकी बात कर रहे हैं अपन। और यह देखिए अलहन का पुत्र था। अलहन पिता, इनके जो पिता थे इनका पिता है यह है अलहन, ठीक है साहब। और इन्होंने 1181 में, यानी कीर्तिपाल ने 1181 में जालौर में चौहान वंश की स्थापना की, चौहान वंश की स्थापना, ठीक है साहब, चौहान वंश की स्थापना कर दी इसने। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखेंगे प्राचीन नाम इसका, जालौर का प्राचीन नाम जालौर का ये था जबालीपुर। जबालीपुर प्राचीन नाम था जबालीपुर। नेक्स्ट है मुहणोत नैणसी ने अपनी ख्यात मूता नैणसी ख्यात अपनी ख्यात इनकी पुस्तक है मुहणोत नैणसी ख्यात। इस ख्यात के अंदर इसने कीर्तिपाल के बारे में कहा है कि तू एक महान राजा था, महान राजा था, या कई जगह शब्द आ जाता है महान राजपूत था, ठीक है। तो कोई विशेष बात नहीं है, अपने को ध्यान में रखना है कि मुहुण्णोत नैणसी ने इसकी क्या करी है, प्रशंसा की है अपने लेख के अंदर, अपनी किताब के अंदर, अपनी ख्यात के अंदर। इसके बाद में मकराना, मकराना शिलालेख है, मकराना शिलालेख, मकराना पता आपको नागौर के अंदर है, मकराना शिलालेख है। इसके अंदर कीर्तिपाल को शैव धर्म का संरक्षक बताया, इसमें कीर्तिपाल है इसको शैव धर्म का संरक्षक, शैव धर्म का संरक्षक बताया सब। इसके बाद में अपन बात करें इसने जालौर में जांगलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। जालौर में रहते हुए इन्होंने जालौर में जांगलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया, शिव मंदिर का निर्माण करवाया शिव मंदिर का निर्माण करवाया इसने। इसके बाद में अपन बात करें तो देखिए इसके बाद शासक बनेगा, यह बनेगा समर सिंह। समर सिंह का काल महत्वपूर्ण नहीं था, कोई विशेष काल नहीं है। 1183 से लेकर के 1205 तक का जो कार्यकाल था ये समर सिंह का था। और समर सिंह ने इसमें क्या किया, गुजरात, गुजरात का शासक था, गुजरात का चालुक्य शासक भीम, गुजरात का चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह किया। पुत्री का क्या कर दिया इसने, विवाह कर दिया। और इसकी पुत्री का नाम मिलता है लीलावती, लीला देवी, एक ही बात है, लीलावती या लीला देवी इसकी पुत्री का क्या है, नाम है। इसके बाद में देखिए यहां पर जो शासक बना ये बना उदय सिंह। तो उदय सिंह की अपन बात करें, उदय सिंह के लिए ये देखते हैं एक बार, उसके बाद उदय सिंह पढ़ेंगे। देखिए जाल वृक्ष ये दिखता है कारण जाल जालौर का नाम पड़ा। कीर्तिपाल जो चौहान है इनके द्वारा जालौर में चौहान शाखा की स्थापना की गई 1181 में। प्राचीन
प्राचीन नाम जालौर का जबालीपुर था। मोनोत नहसी की ख्यात में कित्तू को एक महान राजा या कीर्तिपाल को एक महान राजा कहा गया है। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके बाद में अपन बात करें मकराना शिलालेख के अनुसार कीर्तिपाल को सेव धर्म का संरक्षक बताया है। किसका संरक्षक बताया है? सेव धर्म का। जालौर में अपन बात करें तो जांगलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया इसने। समर सिंह की अपन बात करें तो गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव से अपनी पुत्री लीलावती का क्या कर दिया था? इसने विवाह कर दिया था। इसके बाद आगे देखें, आगे अपन बात करें समर सिंह तक अपन बात कर चुके हैं। इसके बाद में शासक बना उदय सिंह। उदय सिंह के बारे में अपन देखें 1205 से 57 तक का इसका कार्यकाल था। 1205 से 57 तक का इसने साम्राज्य विस्तार का जो उल्लेख है, इसके जो साम्राज्य विस्तार का उल्लेख है ये अपने को मिलता है सुंदा माता मंदिर पर लगे शिलालेख से या लेख से मिलता है। ठीक है सर। 1228 में इल्तुतमिश ने यहां पर आक्रमण किया। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। 1228 में इल्तुतमिश ने यहां क्या किया? आक्रमण किया। इल्तुतमिश ने यहां पर क्या किया सर? आक्रमण किया। कब कर दिया? 1228 के अंदर। तो ये डेट भी अपने को ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है इल्तुतमिश व उदयसी है के मध्य एक संधि हुई और इस संधि का जो उल्लेख है ये देखेंगे, इसकी जानकारी अपने को ताजुल मासीर हसन निजामी की पुस्तक से मिलती है। ताज उल मासीर किताब है और किताब है किसकी? हसन निजामी की पुस्तक से अपने को ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश और उदय सिंह के मध्य क्या हो गई थी? संधि हो गई थी। अच्छा, उदय सिंह के काल में मेवाड़ का राजा जैत्र सिंह इसने आक्रमण किया। जैत्र सिंह ने आक्रमण किया। इसके बाद में अपन बात करें तो इसकी जो छतरी बनी हुई है, ये छतरी देखेंगे अपन, इसकी जो छतरी है भीनमाल में बनी हुई, भीनमाल जालौर में इसकी क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। इसके बाद में चाचिंग देव है, यह शासक बना। और चाचिंग देव की अपन बात करें तो 12 से 57 से 82 का जो काल था ये चाचिंग देव का था। चाचिंग देव क्या बना? देखिए शासक बना, बलवन का समकालीन था। ठीक है। इसके बाद में अपन बात करें तो सामन सिंह शासक बना। और सामन सिंह है ये 1282 से 1305 तक इनका क्या रहता है? कार्यकाल रहता है। और इसके समय बलवन का आक्रमण हुआ और बलवन ने जो अपना सेनापति भेजा था इस आक्रमण मण के अंदर, और उस सेनापति का नाम है नूर मोहम्मद को भेजा था। कहां पर आक्रमण करने के लिए? जालौर पर आक्रमण करने के लिए। और सामन सिंह है, इसने अपने जीते जी क्या कर दिया था? अपने बेटे कानन देव को क्या बना दिया था? उत्तराधिकारी बना दिया था। ये देखिए उदय सिंह की अपन बात करें तो इसके साम्राज्य विस्तार की जानकारी अपने को कहां से मिलती है? सुंदा माता मंदिर के लेख से मिलती है। 1228 में यहां पर किसने आक्रमण किया था साहब? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश और इन दोनों के मध्य संधि होगी थी, इस संधि की जानकारी अपने कहां से प्राप्त होती है?
हसन निजामी की एक पुस्तक है, कौन सी है, ताज उल मासिर। इससे क्या प्राप्त होता है, संधि के बारे में जानकारी। अब मेवाड़ का राजा जेत्र सिंह है वो भी यहां पर क्या करता है, आक्रमण। और उदय सिंह की छतरी कहां पर बनी हुई है साहब, बेनमाल में बनी हुई है। चाचिंग देव की बात करें तो चाचिंग देव है ये दिल्ली सल्तनत के बलवन का समकालीन था। सामंत सिंह की बात करें तो सामंत सिंह के समय बलवन यहां पर आक्रमण करता है, और बलवन का जो सेनापति रहता है यह कौन रहता है, नूर मोहम्मद रहता है। और सामंत सिंह ने जीते जी अपने बेटे कानड़ देव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और स्वयं क्या ले लेता है, संन्यास ले लेता है। तो इसके बाद में अपन बात करेंगे कानड़ देव के बारे में, जो चौहान के अंदर जालौर चौहान शाखा का सबसे महत्वपूर्ण प्रतापी शासक है। तो कानड़ देव के बारे में अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद मित्रों।